रूबरू से हमने रिश्ता तय करके शादी की थी 6 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग फाइन, अल्लाह का फजल व करम है, शुक्रिया। कैसे पसंद किया मैडम आपने, कैसे पसंद किया उस वक्त? मैंने तो नहीं पसंद किया, मेरे को नहीं पता था, वो मेरे फाइल देख के, वो फोटो देख के मेरे मुझ तक पहुँचे, अप्रोच किया। तो अरेंज मैरिज ऐसे ही, उनके पेरेंट्स आए, हमारे पेरेंट्स, ऐसे ही हुआ शादी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं हम। और हर एक रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और हर अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, तो दोनों को भी चाहिए कि कोऑपरेट करे, कोऑपरेट करके 19-20 का फ़र्क तो होता ही हर एक रिलेशनशिप में, तो दोनों कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बताने जा रहा था, हम लोगों ने भी जो ये रिश्ता तय करके शादी की थी, हमने बहुत कम खर्च में की थी, जस्ट एक समझे 70 या 80 मेंबर्स का एम्पायर होटल में हमने निकाह किया, दावत किया, जामिया मस्जिद में निकाह किया और दावत वहाँ पे 70-80 आदमी में ख़त्म किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सारा पैसा बचा, बहुत सारी परेशानियों से बचना पड़ा। मैं तो अपनी बहन के लिए आई हूँ, एक्चुअली मैं मेरी बहन के लिए, रिश्ते के लिए आई थी, छोटी बहन है, तो फ़ायदा भी हुआ है मेरे, पहले भी मैंने ये आजमाया है रूबरू से, एक रिश्ता होके है, इसलिए फिर से आई। देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी, अगर अल्लाह चाहा तो बहन का भी होगा शायद, फॉर द बेस्ट। पहले जो रिश्ता हुआ तो वो शादी हुई है? हाँ शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है शादी, वो हम ही है दोनों, हस्बैंड वाइफ रूबरू से ही है हम लोग। कितने साल पहले हुआ था? 5-6 साल हो गया शादी होके, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे है, जिंदगी मस्त है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो लाइव एग्जाम्पल है हम लोग। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में रूबरू प्रोग्राम का शानदार इनाकाद। शादियों के लिए रिश्तों की तलाश में बड़ी तादाद में लोगों की आमद। रूबरू प्रोग्राम के पहले दिन 5000 से जायद लड़के और लड़कियों के बायोडाटा जमा। जी हां, सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में 2 रोज़ा रूबरू प्रोग्राम जारी है। 27 और 28 मई 2023 बरोज हफ्ता और इतवार हो रहे इस प्रोग्राम में न सिर्फ बेंगलोर बल्कि दीगर कई शहरों से वालिदैन बच्चों के सरपरस्त आए हुए हैं। तालीम, मुलाजिमत, तिजारत के लिहाज से यहां अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ये 8वां रूबरू प्रोग्राम मुनाकद किया गया है। पहली मर्तबा रूबरू प्रोग्राम के साथ सहल शादी यानी आसान शादी प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। रूबरू प्रोग्राम में जो रिश्ते तय होंगे या इससे बाहर भी जो रिश्ते तय होंगे उनके लिए कुद्दूस साहब ईदगाह में 25 जून को सहल शादी प्रोग्राम यानी इज्तिमाई निकाह की तकरीब मुनाकद होगी। सहल शादी तकरीब में वालिदैन बगैर किसी खर्च के अपने बच्चों की शादियां अंजाम दे सकते हैं। रूबरू प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लोगों ने सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन की इस खिदमत पर बेहद खुशी और मसर्रत का इजहार किया और तमाम मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। कई लोगों ने कहा कि ये एक अजीम खिदमत है, इस तरह के प्रोग्राम हर शहर में होने चाहिए क्योंकि वालिदैन आज अपने बच्चों की शादियों के रिश्तों के लिए काफ़ी परेशान हैं। दलाल और ऑनलाइन वेबसाइट रिश्तों के नाम पर आम लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, ऐसे माहौल में इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी खुश आइंद हैं। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। माशाल्लाह हर साल में ये प्रोग्राम यहाँ पर हज़रत कुद्दूस साहब ईदगाह में ये प्रोग्राम तय होता है सैयदा ज़ैनब मदरसे एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से। तो कई लोगों को यहाँ से रिश्तों का इंतखाब करने में बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी आसानियाँ इसमें होते हैं। और मैं ख़ुद यहाँ पर आया हूँ मेरे फर्जंद शेख मोहम्मद तौहीद अहमद के लिए एक लड़की की तलाश में। माशाल्लाह इस प्रोग्राम के तहत
लोगों के लिए बड़ी आसानियां पैदा हुई हैं और यहां से फैज़ आम जारी है। और इस फाउंडेशन के ज़िम्मेदार अलहाज अतीक साहब और मोहतरम जनाब इस्माइल ख़ान साहब और अपनी टीम को लेकर और घर के ख़वातीन को लेकर ख़िदमत खल्क़ के जज्बे से क़ौम मिल्लत की हमदर्दी में एक ऐसा चंद सालों से प्रोग्राम चला रहे हैं। ये इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत इतनी हासिल है माशाअल्लाह, बेंगलुरु ही नहीं बल्कि कर्नाटक ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जो इसके चर्चे हैं और लोग इससे मुस्तफिद हो रहे हैं। मकसद क्या था आज? हाँ, ये रूबरू का प्रोग्राम है, ये निस्बत का रूबरू ये करने का प्रोग्राम हुआ था, उसके वास्ते हम ये रिश्ता यहाँ तय करने के वास्ते आए। किसके वास्ते? हमारे एक नवासे को, नवासी को। क्या कर रहे हैं? क्या एम कॉम पढ़ को हैं। तो एप्लीकेशन दिए? हाँ, देखो हैं। तय हुआ? तय हो रहा है, बोले चार पांच आकर हैं, उसके वास्ते उनको सोच समझ कर जवाब देंगे। बिल्कुल। ये माहौल आपको कैसा लग रहा है? ये माहौल अच्छा लग रहा है, 8 साल से कर रही है ये जो फंक्शन लगे है, बहुत अच्छा किया है। रिश्तेदार देखना बोले तो बाहर जाके कोई ब्रोकर को वगैरह लगाना पड़े तो बहुत पैसा पूछ रहा है आजकल, शादी डॉट कॉम ऐसा वैसा बोल के बहुत पैसा मांग रहा है। इसमें ये गरीब लोगों को भी और पैसे लोगों को सबको भी बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है फ्री में। हम आंध्रा से आए हैं। ये पहली मरतबा आए हैं? ये दूसरी मात्रा में बर्तवा आए हैं। बहुत अच्छा। पहले किसके लिए आए थे? पहले आके मेरे बहन के लिए आए थे, उसमें एक रिश्ता भी सेट हो गया है, बहुत अच्छा हुआ वो एडुकेशन। किसके लिए आए? अभी मेरे लिए आया हूँ मैं। क्या उम्र है आपकी? मेरा 34। क्या काम करते हैं? मैं आके बिजनेस कर रहा हूँ, रियल एस्टेट बिजनेस मेरा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आए हैं क्या मकसद चाहे हैं? बच्चे के, लड़के के लिए, लड़की देखने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे पहली मतलब आए? आज नहीं, पहले भी आए थे, एक बार आए थे। तो पहले किसके रिश्ते के लिए आए थे? लड़के के, लड़की के रिश्ते के लिए। अब आए लड़के के रिश्ते के लिए। बेटी का रिश्ता तय हुआ? कैसा होगा? अच्छा, कितने साल हुआ? 6 साल होगा। अच्छा, कैसे उनकी मतलब जो रिश्ता यहाँ तय हुआ था, माशाल्लाह फैमिली के, फैमिली कैसी है और बच्ची खुश है वहाँ पर? क्या भी शिकायत? अल्हम्दुलिल्लाह। इस रूबरू प्रोग्राम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा है, बेहतरीन बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले साल जो है आपकी लड़की की शादी हुई थी, तो अब इस मरतबा किसके लिए आए? मैं लड़के के लिए आया हूँ, मेरे लड़के के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो क्या कितनी देर से हैं आप यहाँ पे? मैं सुबह आया फॉर्म फिलअप करके, अभी 2-3 मैं निकाल के हूँ, उनसे मैं रابطہ कायम करूँगा। फ़ोन नंबर मैंने ले लिया है, उनसे बातचीत हुई है इंशाल्लाह। और भी मुझे और देखना है ताकि वो मुनासिब रिश्ता मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजिंग का बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। इससे इतना अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, लेकिन हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करके देना पड़ेगा। अब अगर मेरा लड़का है तो अब उसे अब थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करके ही देखना पड़ेगा। हर चीज़ तो नहीं मिलेगी ना, ये जन्नत तो है नहीं कि 100% हमें मिल जाए। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो रिश्ते होंगे। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ श्यामपुर में रहता हूँ, बेंगलुरु का ही रहने वाला हूँ मैं। लड़के वालों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लड़के वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और वो इतना ही हो, ऐसा ही हो, डिस्टेंस एज का थोड़ा बहुत उसे हमें निकालने से आसानियाँ होंगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ दिक्कत ये है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनाइज इन्होंने इंतज़ाम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसका बेनिफिट जो लोग हैं वो कम ले रहे हैं। सही तरीके से नहीं उन्होंने अब यूँ समझ रहे हैं कि और देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से, एक उम्मत का फ़र्द होने की वजह से मैंने कई लोगों से बात किया, ये मेरी आदत है, मैं कुछ लोगों से लेता हूँ। अब मैंने वही कहा, वो बोल रहे नहीं ये है वो है, वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए लड़की वालों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनकी बच्ची POC भी पढ़ के नहीं है, लेकिन इनको इंजीनियर चाहिए। भाई हमारी चादर कितनी है वो भी तो हमें ख्याल करना चाहिए ना। चादर कितनी है वो भी तो देखना चाहिए ना, हमारे पैर कितने हैं, चादर कितनी है हमारी। मेरी दादी कहा करती थी, उसी कपड़े का रंग को पेवन लगाओ, अब यहाँ सफ़ेद को काला ढूंढ रहे हैं तो वो कहाँ से होएगा। मैं लोगों को, मैं अपना एक खुद का एक ये देना मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ थोड़ा अल्लाह थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चाहें,
पूरी की पूरे 100% नहीं मिलेगा इंसान को, ये जन्नत नहीं है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी। वो क्या कहते हैं, वो इनको हूर से कम की उनको कबूल नहीं है, उनको यूसुफ से हुस्ने कम कबूल नहीं है। अगर इस पे जाएंगे तो हर कोई यूसुफ नहीं है, हर कोई हूर नहीं है, हमें ये ख्याल रख के हमें रिश्ते करेंगे तो इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ये जो भी लोग किए हैं, मैं इनसे वाकिफ़ तो नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा तावन रहा है। जज़ाकअल्लाह खैर, तो मैं दुआ गो हूँ इनके लिए, आप भी दुआ करो। अच्छा, मैं बेंगलोर से हूँ, तो यहाँ पे हम रिश्ते के लिए आए थे, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंजेस हैं, इट्स गुड के अच्छे कम खर्चे में शादी करने की सलाह दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत फजूल खर्च हो रहा है शादी में। और ये जो लड़का लड़की को रूबरू से जो भी रिश्ते तय किए जाते हैं, उसी रिश्ते को यहीं पे जो एग्जीक्यूट करके शादी पूरी शादी मनाने का ये कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स ये मुसलमान होम के लिए, एक बहुत बेहतर ये होता है। जैसे कि अभी स्पीच में बता रहे थे 72,000 करोड़ तक खर्च हो रहा है हर साल मुसलमानों का पैसा, जहाँ पे जाके एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 2,000 करोड़ की ज़रूरत है, तो रियली हमारा पैसा पूरा बह रहा है पानी में। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस एंड टेक ए प्रॉपर स्टेप, और हर कोई वेदर इंजीनियर डॉक्टर इलेक्ट्रीशियन ड्राइवर जो कोई भी हो, इसमें हिस्सा लेके सी दैट ये सक्सेस हो सके, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दें, सक्सेस करें, मोटिवेट करें, सो के होम का भला हो। आपका नाम? नयाज अहमद। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं आटी नगर में रहता हूँ बैंगलोर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज यहाँ ये खादरिया में आने का मकसद क्या है, तो अच्छे से अच्छे यहाँ रिश्ते जो है अच्छा ये कर को ही माशाल्लाह अच्छे बच्चियाँ के रिश्ते हो रही, सबसे सुने सबने अच्छी कहावत थी कि गए साल भी हमारे चंद शतरों में भी ये काम हुआ, इंशाल्लाह ये साल देखेंगे करके हमें भी कोशिश करने के लिए। बच्चे भी यहाँ अच्छे आ रही हैं, अच्छे बहुत अच्छे अहबाब आ रही दरबार सब बेंगलुरु से बाहर से, तो इधर भी हमें इंशाल्लाह देंगे अल्लाह की तरफ से क्या होता अगर बोल को। यहाँ ये उलमा इकराम जो है इधर बहुत अच्छा एक पूरे मेम्बरान पूरे मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही। किसके लिए आया हमें? ये बच्चे के वास्ते, जो लड़का हमारी बेटी के वास्ते, ये रिश्ते के लिए आया हमें। आपको देख लेकर ही माशाल्लाह बहुत अच्छे आई इधर, अभी हमने सूटेबल नहीं दिखा, मतलब कुछ कर लेकर ही इंशाल्लाह। बड़े पैमाने पर जो है इस मरतबा ऊपर प्रोग्राम मुनद किया गया है, तो क्या उम्मीद है आपको और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कितने रिश्ते अब तक जो है यहाँ पर आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा हमने 7 प्रोग्राम्स हमने कर चुके हैं और ये 8वां प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि जितना रिस्पांस था पहले के साथ में उससे कई गुना ज़्यादा इस बार रिस्पांस रहा है। तमाम हिंदुस्तान से कई मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हैं, नेबरिंग स्टेट से कई रिस्पांस बहुत ज़्यादा आया इस बार, तमिलनाडु केरला और दूर दूर तक मैंगलोर चिकमंगलोर और बागलकोट पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। जितने भी मैंने थोड़े मुख्तसर लोगों को मैंने मिला है, कई मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हैं और कई लोग अपने बच्चों को साथ लाए हैं, ये एक अच्छी खुशी की बात है। रूबरू का हमारा मकसद यही था कि लोग आए बैठे मिलें, कई लोगों का ये पहले मशवरा रहा कि इसको ऑनलाइन कर दें, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा तजुर्बा रहा कि जहाँ पर भी लोग इकट्ठा होते हैं मिलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं वो कामयाब शादी होती है। मैंने जितने भी कामयाब शादियों को मैंने देखा है वो लोग यहाँ पे मिल के जब 2 बार 3 बार 4 बार इसी 2-3 दिन के अंदर मिल के आप लोग डिस्कस किए हैं, फिर उसके बाद घर में मुलाकातें हुई है, उन्होंने फीडबैक उन्होंने दिया है कि ये बहुत कामयाब रही है और बहुत अच्छा हमें रिश्ता हमारे बच्चों के लिए हुआ है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ सके, और इतना अगर करने लगेंगे तो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि एक जो आटी नगर में एक रिश्ता हुआ था, क्योंकि वो हमारे घर से करीब ही हैं, उन्होंने आके उन्होंने पूरी तफसील से उन्होंने बताई कि कितने लोगों को उन्होंने मिला था इधर, लेकिन उसमें उन्होंने 10 से 15 रिश्तों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया,
लेकिन उसके अंदर चार ऐसे थे जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, जो उनके जिस तरह से उनके वेवलेंथ थे, उनके बातचीत थे, सब चीज़ उन्होंने पसंद किया था। उसमें उन्होंने एक से दो लोग को बुलाए, लेकिन उसके अंदर ही उन्होंने समझा कि ये बहुत अच्छा रिश्ता है, तो जो रिश्ते को उन्होंने तय किया, उसकी शादी भी हुई, पिछले साल उनकी औलाद भी हुई, तो घर में आके हमारे मिठाई और अपना खुशी का इजहार करके गए। तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या इसका सबब रहा कि इतना आप खुश हैं, क्योंकि रूबरू ही मकसद था जहाँ पर इतना जल्दी मैंने लोगों को शॉर्टलिस्ट कर पाया, और रूबरू के फौरन बाद 15 दिन के अंदर, क्योंकि लड़का जर्मनी जा रहा था, तो हमने 15 दिन के अंदर हमने उसका छोटा सा एक रस्म कर दिया, और लड़का वापस आने के बाद, तब तक मेरी बच्ची फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रही थी, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में उसका जॉब भी लगा था अच्छी सैलरी पे, आने के बाद हमने उसकी शादी भी इमीडिएट कर दी है। तो एक कामयाब रिश्ता होने के लिए आप अगर रूबरू को आएंगे, आप जो भी हैं, या गरीब से गरीब हो, या मालदार से मालदार हो, या हाईली एजुकेटेड हो, आज मैंने थोड़े रिज्यूम्स को देख रहा था, उनकी इतनी हाई क्वालिफिकेशंस है, तो मैं ताजुब कर रहा था कि पहले इतने अच्छे रिज्यूम्स नहीं आ रहे थे, इस बार लड़कों के बहुत अच्छे रिज्यूम्स आए हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, PhD करके उसके बाद फिर और स्पेशलाइजेशन करके, काफ़ी मुझको बहुत दिल की तसल्ली हुई कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं। आपके अगर अंदाज में है कि आपके बच्चों को अच्छी तरह अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को देना है, और आपके बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पे आप देख सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं सकते बच्चों को। ऑनलाइन पे आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस मिलेंगे, क्योंकि इधर अब माँ बाप आ रहे हैं, ख़ानदान वाले आ रहे हैं, खुद लड़का लड़की भी इधर मौजूद हैं, तो आप एक दूसरे से डिस्कस करके, यही इस्लाम का सही तरीका है कि एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को समझे, तभी जाके कामयाब रिश्ता होता है माशाल्लाह। सैदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अला जती खाम साहब जो बानी और चेयरमैन है, इनकी सरपरस्ती में मोहतरमा तहसीन आरा जो नायब चेयरमैन इस इदारे की, आज जो है मरकज़ी सतह पर मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी का इजहार होता है, खुशी होती है कि आज सारे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, और कुछ बैरूनी ममालिक से भी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग बाहर हैं, बायोडाटा मोबाइल से डालकर बातचीत चल रही है, मैं देख रहा हूँ। तो कामयाब प्रोग्राम रूबरू, ये 8वां रूबरू प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। आज सुबह से जो है 5000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन होके ही, इंशाल्लाह कल इतवार का दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि आजकल जो हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, डबल ग्रेजुएट से ही, डॉक्टर से ही, PhD किए हुए लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हुए लोग आए हुए हैं, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए अपील करूँगा कि कल फिर से सुबह के 10 बजे से शाम के 7-7:30 बजे तक चलेगा, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप जो है दो साल तलाश करेंगे अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, मगर यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करिए, अपने बच्चों की शादियां करने में आसानी होगी, अपना वक्त ज़ाया नहीं होगा, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कदम सैदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब अला जती खान साहब ने उठाया है कि देखिए शादी करना आज के दौर में बहुत बड़ी मुश्किल का काम बन गया है, चाहे अमीर हो गरीब हो, रिश्ता ढूंढना, शादी रचाना, लाखों का रुपया खर्च करना, हमें कंट्रोल में नहीं है, मुसलमान आज कंट्रोल के बाहर होकर खर्चा कर रही है, सबके शादियाँ ऐसे हो रही हैं, वैसे हो रही हैं, हमारी नहीं हो रही है, हम भी खर्च करके साइट बेच के, जायदाद बेच के, जेवर बेच के, हम भी जो है शादी हमारी बच्चों की भी रचा रही हैं, सारा जो है पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, इल्म के तरफ नहीं डाल रही, गरीबों यतीमों के तरफ नहीं डाल रही। इसलिए चेयरमैन साहब ने सोच समझ के माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज मैं सुबह से देख रहा था हमारे काउंटर्स में, मैंने ऐलान किया, जो आप यहाँ पे बहुत मालदार लोग भी आके ही, मिडिल क्लास वाले आके ही, हमने ऐलान किया, बताए सहल शादी के बारे में दो लाइन बता के मैं ऐलान किया कि आप तमाम हाथ उठाइए जो लोग सहल में शादी करना चाहते हैं, तो 90% लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया। तो अल्लाह का करम है कि हमारा जो ये मिशन है, यानी फजूल खर्ची से बचने का, और अल्लाह और रसूल को जो मनाने का, फजूल खर्ची से बचने का, निकेह को आसान करने का, ये कामयाब होते जा रहा है। इंशाल्लाह 25 जून को जो है पहला सहल शादी होगी, इंशाल्लाह बहुत सारे रिश्ते आएंगे, अमीर गरीब सब आएंगे,
अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म बना के जो है अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म बना के अच्छी तरह से हम शादी निकाह का इंतज़ाम करेंगे और उन लोगों को खादरिया मस्जिद में निकाह का इंतज़ाम होगा और उन लोगों को जो है खाने का भी इंतज़ाम रहेगा। तफसीलात आगे हम बताएंगे। जो लोग ये दो रोज़ा ये प्रोग्राम रूबरू में जिनके रिश्ते तय होते ही मैं इनसे अदबन गुजारिश करूँगा कि नेकी के काम में आप भी ख़त्म रख लीजिए। जन्नत को जाने वाला काम है, पैसे फ्रुजुल खसी से बचने का काम है। आप तमाम जो लोग परेशान नहीं उनको पहले परेशानी से उठाने का काम है, कौम को परेशानी से बचाने का काम है। जो लोग इस प्लेटफॉर्म में ख़त्म रख देंगे इंशाल्लाह ताला, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जन्नती हो जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा कि कितने जो ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते जितने भी तय होंगे आप तमाम आके यहाँ रजिस्टर कराइए इंशाल्लाह। शहल जी बाहर भी जो रूबरू के बाहर भी जो अवाम है रियासत कर्नाटक की हो सारे हिंदुस्तान की हो अपने अपने रिश्ते जो तय होते हैं आप भी इसमें शामिल हो जाइए इंशाल्लाह। हम को एक अच्छा मैसेज देंगे, ये पैसा हमें इल्म में डालेंगे। मैं जैसा बार बार बता चुका हूँ कि पैसे जो यूनिवर्सिटी बन सकती है हमारे पैसों में, ये पैसे में जो है गरीबों को IAS IPS ऑफिसर बना सकते हैं। इसलिए अदबन गुजारिश करूँगा इस मीडिया के ज़रिए, आप तमाम मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूँगा कि आप तमाम इसको इमीडिएट सर्कुलेट करिए ताकि आप भी इस प्लेटफॉर्म में जमा हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।